जिस तरह से आपने कहा कि आपके जो नजरियात है वो लेफ्ट के, और जैसे कन्हैया कुमार भी इन्हीं नजरियात को लेकर चल रहे हैं, और जिस तरह से जो लड़ाई है इसमें कहा जा रहा है कि किसी खास मजहब की लड़ाई नहीं है, और ये स्पष्ट भी हुआ है कि इसमें हर मजहब के जो लीडर है वो नजर आ रहे हैं। मैम क्या कहेंगे, सबका स्टैंड अलग है, कोई कहता है कागज दिखाइए, कोई कहता है एनपीआर में कागज ना दिखाइए, अफवाह ये भी फैल रही है कि बैंक से ट्रांजेक्शन बंद कर दिया जाएगा, आपका क्या स्टैंड है? मेरा मानना है कि देखिए ये निर्णय तो खैर कोई दूसरा कोई नेता आपके लिए नहीं ले सकता, जो आंदोलन में है अलग अलग जगह लोगों को लेना पड़ता है, लेकिन मेरी राय है कि ये लोग दबाव बनाएंगे जरूर हम, लेकिन दबाव में आना नहीं चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन अकेले अकेले अलग अलग से कोई नहीं कर पाएगा, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले को करना होगा। और बैंक रोकने का जो अच्छी बात हो रही है ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोर्ट्स की जो भी हालात हो लेकिन वो इसको सही नहीं कर सकते, आपके जो हाई कोर्ट्स हैं खुद ही इसको रोकेंगे, आप किसी के बैंक के अकाउंट को रोकने का अधिकार सरकार को नहीं है इस तरह, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और थोड़ा कहने की जरूरत है कि हम थोड़ा दृढ़ निश्चय करके रहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि वो शुरू हो जाता है पूरी प्रक्रिया तो एक तरह से, लेकिन यहाँ मैं महाराष्ट्र में इस बात को जरूर कहूँ कि आपके महाराष्ट्र में बड़े उथल पुथल अभी सरकार के वो ये वाली सरकार शायद ही बच्चे को बीच भी आए और वो लोग को लागू करने की बातें करेंगे, फिर भी मैं कहूँगी इस बात को कि दबाव बनाने से और इस लड़ाई को समुदाय विशेष के बाहर ले जाना ये जिम्मेदारी मैं मानती हूँ लोगों को, तो जो आपके विपक्ष के दल उनसे भी थोड़ा आपूर्ति करिएगा कि आपके लिए यहाँ आना काफी है, आप उस काम को करिए ना, जाने का आम लोगों को समझाने का जो काम है वो आपके शीर्ष नेता से लेकर के, आप इस परेशानी में मत रहिए कि सरकार रही चली गई क्या हुआ नहीं, आप ऊपर से लेकर नीचे तक आप अपने लोगों को तो ये कहो, ये बात समझाइए कि ये लोकतंत्र के जीने मरने का सवाल है, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के जीने मरने का सवाल नहीं है, तो इसके लिए ही आप समझाने का काम ये अगर जिम्मे पर आप लेते हैं और आम लोग इस पर दबाव बनाते हैं तो कौन सी सरकार से मजाल ले रही है इसको चला पाएगी, नहीं चला पाएगी, ये ऐसे थोड़ी वो जबरदस्ती कर पाएगी, तो ये हम लोग करेंगे काम को, डेरी का काम है, लंबा काम है, लेकिन करना भी मेरा मानना है बिल्कुल बॉयकॉट करना। मैडम ये जो पूरे हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप काफी जगह गए हैं वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है सरकार की सब पीछे हटेगी? देखिए ये जो केंद्र सरकार है ये वैसी सरकार नहीं है दूसरे आम सरकारों की तरह, ये लोकतंत्र के नियमों से चलती है, फिर भी मैं कह रही हूँ कि देखिए इन्हें तो पीछे हटना पड़ा, क्योंकि एनआरसी वाली बात को वो आज बात के नाम से कम से कम उनको कहना तो पड़ रहा है कि नहीं अभी करने का योजना नहीं, वो भले सही नहीं कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, लेकिन कहने के लिए मजबूर क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम्स के फीलिंग्स के को लेकर से थोड़ी जा, उनको पता है कि एनआरसी को लेकर के व्यापक है जो है वो और लोगों में भी फैल और इसको वो ये नहीं संभाल पा रहे, से भी नहीं संभाल पा रहे, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा, इसलिए मुझे लगता है कि देखिए ये लड़ाई आसानी से कोई भी लोकतंत्र की लड़ाई नहीं होगी, तो चाहे इमरजेंसी की लड़ाई हो, इस मामले में भी कोर्ट जो है लड़ पड़ाए थे इमरजेंसी के समय, आज भी पता नहीं कैसा हो क्या हो जो है, लेकिन धैर्य से लंबी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और इसमें जल्दी कोई नतीजा मिले, नतीजे का कोई डेट हो, कोई तारीख बताइए, और ये नहीं हुआ तो जल्दी से कुछ और कर देना, ये मेरे ख्याल से ना करके थोड़ा सा इसको कैसे फैलाएं, कैसे स्थिरता दें, ये इस लड़ाई को। मैडम आपने एक बात कही कि जो बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज है जिसे दलित का नाम लेते हैं लोग, वो जो हमारे भाई हैं, मैम जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहाँ भी शाहीन बाग बने हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटीज में ये एक सवाल है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही ज्यादातर नजर आ रही है, ऐसा नहीं है कि गैर समाज के लोग जुड़े नहीं है, लेकिन बहुत कम तादाद में उनके बड़े बड़े लीडर्स आते हैं शाहीन बाग में, आ तो जाते हैं लेकिन वो अपने समाज को क्यों नहीं जोड़ पा रहे, मैम ये एक फिक्र की बात है, क्योंकि असल टारगेट ये बहुजन समाज ही है, क्या कहेंगे? दलित नहीं, मैं कहूंगी कि दलित गरीब किसी भी समाज के, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने भी इस तरह का एक शाहीन बाग जिसमें ज्यादातर दलित गरीब लोग हों, वो मैंने गढ़नी में भोजपुर में हमारी पार्टी के लोग वहाँ पर तैयार किए, उसको युवा जो हमारे साथी हैं उन्होंने किया, लेकिन ये रेयर है, ये मेहमान थी, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इसको समझना दूसरे तरीके से चाहिए कि वहाँ पे जो ये काम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो काम यहाँ आकर के बोलना काफी नहीं, वहाँ जो काम समझाने का ये आसान काम नहीं है, जब हम लोग भी इस काम को शुरू किए तो हमारे लोग भी थोड़ा खींच जा रहे थे कि लोग जल्दी समझते नहीं, और यहाँ तो आंदोलन में यहाँ लोग आसानी से आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वहाँ समझ नहीं रहे, सुनना सुनने में भी बहुत बोर लग रहा है उनको, तो आप लोग खींच जा रहे हैं, तो हमने कहा नहीं बिल्कुल धैर्य से, इसको मैंने जिस तरह से यहाँ समझाया
वो वहाँ से शुरू करना, लोगों के मन में क्या सवाल है, लोगों लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, परेशान है वो इसके लिए नहीं परेशान, वहाँ से शुरू करिए किस चीज से परेशान है, इस चीज को यहाँ से जोड़ना। हमारे सारे अधिकारों से लड़ने का जो अधिकार है वो है नागरिकता, और वो उसको जो है जड़ से उखाड़ देने वाले हैं, बाद में कहेंगे देते हैं वापस किए के तहत, इसमें कैसे कोई मानेगा। ये सरकार कोई भी एक ही सच बात नहीं बोली, नोटबंदी की है तो क्या की, तो ये सारी चीजें समझाने में थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। मेरा मानना है कि अभी भी सारी पार्टियों को, सारे संगठनों को इस काम में लगना चाहिए। निराश न होना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, इसलिए दिमाग स्थिर रखना, निराश न होना, स्थायी रहना और उसको फैलाना, ये मेरे ख्याल। मैम आखिरी क्वेश्चन, आप एक महिला एक्टिविस्ट है मैम, और जिस तरह से आरएसएस की तरफ से बयान आ रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो अपनी औरतों के पल्लू में घुस जाए और छुपा पड़ा है, वो रजाई में सो रहे हैं, इस तरह के बयान आ रहे हैं मैम। और दूसरी चीज देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो मुस्लिम मर्द हजरात हैं वो मौजूद है बॉडीगार्ड के तौर पे, क्या आपका उनको रिप्लाई है आरएसएस के लोगों? भाई ये तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, और मैंने उनको कहा कि भाई आपने तो अपने लेख में लिखा था कि जो है महिलाओं को कभी आजाद छोड़ना ही नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि आजाद महिलाओं को देख करके आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, क्या करें आपको। अब आपको कौन समझाए कि महिलाएं जो है वो किसी समुदाय की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? तो आप तो समझ रहे हैं कि वो पुरुषों के पिट्ठू हैं और पुरुषों ने बिठा रखा है और पुरुष बॉडीगार्ड है, क्या क्या बकवास, क्या मतलब है? आप तो उनको चीज की तरह देख रहे हैं। आप होली के पर्व में भी वीडियो छोड़ रहे हैं कि कैसे मुस्लिम महिलाओं को जबरदस्ती पूछेगा, आप तो समझते ही नहीं है सहमति की बात, और महिलाओं के लिए आपके पास जीरो रिस्पेक्ट है। तभी तो आप मान नहीं पा रहे हैं कि महिलाएं नेतृत्व में है, और इसमें हिंदू महिलाएं भी हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं, सब महिलाएं हैं, और ये मुस्लिम महिलाओं के नेतृत्व में ये बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसमें नानी दादियों से लेकर के यंग यंग लड़कियों तक, छात्राओं तक है। मुझे तो लगता है ये देश के लोकतंत्र में नई जान डाल दिया, देश के लोकतंत्र ये चीज, ये आंदोलन, और ये इनके बस का काम नहीं है समझना चाहिए। इनका तो यही बड़ी फायदा आती है बोलने वाले, क्या करेंगे हम, बहुत काम करेंगे।